फ्रेंड, अमीना बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको नाप लेने का तरीका बताएंगे, पूरा अच्छी तरीके से नाप कैसे लिया जाता है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। आइए हम सबसे पहले मिलवाते हैं अपनी, मैं अपनी छोटी बहन को लेता हूँ नाप के लिए, आपके नाप दिखाने के लिए। तो हम आपको बताएंगे किस किस चीज़ का नाप लेंगे। तो नाप के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम लेंगे कमीज का नाप, फिर उसके बाद लेंगे ब्लाउज का नाप, कमीज़ का नाप, ब्लाउज का नाप, पजामी का नाप, पैंट का नाप, उसके बाद घाघरा जो स्कर्ट भी कहते हैं, ये इन सब का नाप लेके मैं आपको बताऊंगा। लूजिंग भी कितनी डालनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कमीज का नाप लेके बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंची टेप को लेंगे, और इंची टेप को कभी भी इस हिसाब से नहीं रखना नाप के लिए, इंची टेप को हम ऊपर से रखेंगे हम जितने नाप चाहिए, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि कितना नाप चाहिए, जैसे अब हमें पजामी पर नाप लेना है तो ज़्यादातर लंबाई 40 से ऊपर ही होती है, हम 43 नाप लेते हैं अंदाजे के लिए। तो ये जो इन्होंने पहना है इनकी लेंथ हो गई, इस हिसाब से हम लेंगे क्योंकि थोड़ा खींचते हैं, क्योंकि जो कपड़ा है ना यहाँ सलवट होता है इस जगह पर, तो हम इसे खींचेंगे तो ये ओके हो जाएगा। तो हम इस हिसाब से लेके इसको थोड़ा खींचेंगे और इस सिलाई से इंची टेप देखो किस हिसाब से आ रहा है, ये आने का तो हम देखेंगे 42 लेंथ हो रही है, 42 लेंथ होगी कमीज की। ये लेंथ होने के बाद हम आएंगे और ये देखिए ये नाप हो गया लंबाई का 42। अब इसकी हम ब्रेस्ट का नाप लेंगे, तो ब्रेस्ट के नाप के लिए हम पीछे से जैसे ये बाल वाल है ये सब हटवा लेंगे, ठीक है, जिसके भी होंगे बाल वाल हटा लेना हमें। और इस हिसाब से हम सबसे पहले अपर चेस्ट लेंगे जिसे हम फर्स्ट चेस्ट कहते हैं, नीचे कर लो हम, ठीक है, इसको हम इस हिसाब से यहाँ पे लेंगे, जहाँ पे मैं ले रहा हूँ ना यहाँ का ध्यान रखना है। तो इसका नाप आ रहा है यहाँ पे 39, फर्स्ट का 39, और सेकंड जो ब्रेस्ट होगी उसका नाप आ रहा है आपका, नीचे कर लो हम, 42, ठीक है। तो 42 जो हमारा नाप हो गया, ये दो नाप हो गया, तो मैं आपको लिख के भी दिखाता रहता हूँ साथ के साथ। कमीज का पहला नाप हो गया 39 फर्स्ट, और सेकंड हो गया इसका 42, ये चेस्ट का है, ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ चेस्ट। अब यहाँ पर हम कमर का नाप लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम हिप का नाप लेंगे, फिर बाजू का नाप हो गया ये। तो अब कमर का नाप आपको मैं बताता हूँ, कमर के नाप के लिए हमें इस हिसाब से लेना है, और बिल्कुल सीधा इंची टेप पीछे से सीधा आना चाहिए बिल्कुल। तो इनकी कमर आ रही है इस टाइम पे 37.5 इंच, ठीक है, इसी हिसाब से हम नीचे जाएंगे और इसकी हिप का निशान लेंगे। तो हिप का जो नाप आ रहा है इनका नाप आ रहा है हिप का 43.5 इंच। देखिए हिप यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे कहीं ना ले, साइड में हिप लेनी है आपको, ठीक है, 43.5 इंच। तो 38 कमर, 43.5 हिप, ठीक है। अब ऊपर की साइड में मैं लिखूंगा ये कितनी कितने ऊपर से हमें करना है सेट इनको, ठीक है। तो अब इंची टेप का मदद लेते हैं और हम देखते हैं इस हिसाब से। तो हमारा ब्रेस का नाप जो इसका बैठेगा ना, इंची टेप पे नजर रखें तो ये 10.5 इंच पे, देखिए कंधी से हमें लेंगे तो 10.5 इंच पे इनकी ब्रेस का नाप आ रहा है, ठीक है, और कमर का नाप आ रहा है इनका 14.5 इंच पे, ये देखिए 14.5 पे कमर का, ब्रेस का 10.5 पे। इस हिसाब से हम नीचे लेके आएंगे तो हम जो 21 इंच से हम इनके चाक ओपन करेंगे, ठीक है, 21 इंच, 22 भी कर सकते हैं, 22-21 चलता है ज़्यादातर, ठीक है, हाइट छोटी है तो हम 21 इंच करते हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट और सेकंड नाप है ना, तो चेस्ट के ऊपर वाला हिस्सा जो है इधर लिख लेंगे हम 10.5, 14.5, और यहाँ पे हो गया आपका 21 इंच। अब हम लेंगे इसका बाजू का नाप, तो बाजू के नाप के लिए आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हाथ को यूं नहीं करवाना, ठीक है, आप इसे नॉर्मल छोड़ो और इस हिसाब से बाजू लेंगे। अगर छोटी बाजू लेनी है तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है, छोटी बाजू के लिए यहाँ पर लेंगे, 3-4 के लिए यहाँ पर लेंगे, बड़ी बाजू के लिए ऐसे लेंगे। इंची टेप यहाँ से रखना है, जो यहाँ पे हड्डी वाला हिस्सा होता है ना, ये जो कंधा नीचे से उतरने लगता है, इस हिसाब से यहाँ से नाप लिया जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से आप नाप ले लें बाजू का जिस हिसाब से बैठेगा। जैसे 5 इंच है, सपोज करो 6 इंच का निशान यहाँ पर आ गया, तो आपको यहाँ नज़र रखनी है अपनी और हाथ उठा के इसी को ऐसे करके नापना है। तो 6 और 13 इंच बाजू आ गई इनकी, ठीक है, 6-13 बाजू लिख लेंगे यहाँ पर, ये हमारा बाजू का नाप हो गया। इसी हिसाब से हम 3-4 का और बड़ी बाजू जैसी हमें रखनी है हम ले सकते हैं नाप, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नाप आता है 13,
ठीक है। तो तीरे के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए तीरे के लिए हम पहले इनको देखते हैं हमारे कंधे किस हिसाब से जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कंधे इनके यहाँ तक आ रहे हैं इस हिसाब से, ये हमारा तीरा खत्म है। तो यहाँ से हम नापेंगे तो इंची टेप की मदद से ऐसे रखेंगे इंची टेप, और ये आपका आएगा। तो ये तीरा इनका बैठता है 15.5 इंच पे, ठीक है। ये तीरा 15.5 इंच, तो तीरे का नाप ऐसे लेंगे हम, ये 15.5 इंच को हम लिखेंगे। ये हमारा तीरा हो गया 15.5 इंच, ठीक है। ये हमारा कमीज का नाप हो चुका है। अब मेन बात है गले की, तो हम गले के लिए इनको जितना भी हमें पहनना है, ये जो कंधे वाला हिस्सा होता है यहाँ से हम नापेंगे आपको कितना डीप चाहिए उस हिसाब से पूछेंगे। तो जैसे ये 8 इंच है, ठीक है, इस हिसाब से हम रखेंगे। ये हमारा फ्रंट गले का नाप हो गया। बैक गले के लिए हम घुमाएंगे, तो बैक गले को हम जो पीछे निशान होता है कंधे के सेंटर का, अगर कोई टॉप पहनी हो या टी शर्ट पहनी हो तो हमें ये वाले इस भाग से इस हिसाब से ऐसे नाप लेना है। तो हम 8-8 गला रखते हैं, तो हम ये डीप नापते हैं, ठीक है। 8 नहीं आप 5 रख लो, क्योंकि मैं आपको इस नाप का आने वाली वीडियो में सूट भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका 5.5 इंच गला रख लिया हमने, 6 कर लेते हैं बैक गला, 6 इंच कर लेते हैं इनका। तो नेक जो आ गया आपका, नेक आ गया आपका, आगे का गला आ गया आपका, ये बैक हो गया, ये हो गया फ्रंट। बैक गला 6 इंच, आगे का हो गया आपका 7.5, 7.5 नाप ले लेते हैं, ठीक है। वो कॉलर वाला था इसलिए हमने आधा, मतलब आधा इंच फालतू रखा था ताकि सर आ जाए, ठीक है। ये हमारा नाप हो गया। अब हम ब्लाउज के नाप पे जाते हैं। ब्लाउज के नाप के लिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले इंची टेप को ऐसे रखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले रखने के बाद हम नीचे लाएंगे और देखेंगे लंबाई कितनी आ रही है। तो कम से कम लंबाई जैसे यहाँ 14.5 खत्म हो रही है ना इस जगह पर, तो आप इसे हल्का सा नीचे ले लें, 15 इंच नाप बैठेगा। 15 इंच ये आ गया, और प्लेट का नाप आ रहा है 10.5 इंच पे। देखिए प्लेट का नाप कहाँ होता है, ये 10.5 इंच हो गया। तो हम लिखेंगे 15, 10.5 ब्लाउज को, जो ब्रेस्ट का नाप हो गया ये हो गया, हम इस हिसाब से लिखते हैं ब्लाउज को। देखिए 15, ये चेस्ट होगी यहाँ पर, ठीक है, 10.5, ये प्लेट का नाप हो गया, ठीक है। अब कमर का नाप आएगा आपका, अब कमर का नाप लेंगे हम, इस हिसाब से हम कमर का नाप लेंगे। ये देखिए इनकी कमर आ रही है, ये नहीं कि सूट के लिए ढीला लेना है, थोड़ा टाइट रखना है हमें ब्लाउज आइए। तो ये आ रहा 36.5 इंच। इनकी जो कमर है ऊपर, ये नाप के लिए ये होगी 36.5 इंच, ठीक है। इस हिसाब से हम बाजू का नाप ले लेंगे, जैसे हमने कमीज में आपको बताया था, कमीज का हिसाब से हम बाजू का नाप ले लेंगे, और गले का नाप भी वैसे सेम ही लेना है। मेन ये नाप होते हैं, लेने का तरीका जो है, ये ब्लाउज का नाप हो गया। अब आते हैं पजामी के नाप के ऊपर, ठीक है। पजामी के नाप से पहले हम बताएंगे आपको सलवार का नाप। तो सलवार के नाप के लिए आपको बता दूं, आपको डायरेक्ट पजामी का बताता हूं। देखिए हम कहेंगे कस्टमर को कभी भी इस हिसाब से हमें रख के नहीं करना, हम कस्टमर को कहेंगे आप जहां बांधते हो, जिसका भी आप बना रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे इंची टेप पकड़ाएंगे, कहेंगे जहां बांधते हो वहां पकड़ने। इस हिसाब से पकड़ाने के लिए हम इंची टेप को सीधा छोड़ेंगे बिल्कुल, और ये 34 आ रही है इनकी लेंथ, देखिए 34 लेंथ आ गई। तो ये 34 हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी लेंथ सलवार की भी हो गई, पजामे की भी हो गई, ठीक है। तो हम पजामे का नाप ले रहे हैं, 34 तो हमारी लेंथ हो गई। अब सलवार है अगर, तो मोरी पूछ लो कितनी है, ज़्यादातर 14 इंच चल रही है आजकल, तो ये सलवार का नाप हो गया। अगर हमारी बेल्ट वाली सलवार है तो हम एक डब्बा बना लेते हैं ऐसे करके, ये बेल्ट वाली के निशान हो गया। नहीं तो अगर बेल्ट वाली नहीं है तो हम यहाँ प्लेन लिख लेते हैं याददाश्त के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं पजामी का नाप। तो पजामी का नाप के लिए 34 इंच तो लंबाई हो गई आपकी। अब आपको 3 नाप लेने हैं यहाँ पर, मोरी, घुटना और ये थाई, ये पजामी का नाप है। तो आइए अब हम तीनों नाप लेके दिखाते हैं। पाँव आगे करो, आपको इस हिसाब से लेना है। ये नाप आ रहा है इनका 10.5 इंच मोरी का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 10 इंच मोरी का हो गया। घुटने के लिए आप थोड़ा ये साइड करो, ये घुटना इनका आ रहा है। तो ये घुटना हम कहेंगे उठाओ पूरा और मोड़ दो, नीचे करो एक बार। तो देखिए आप जब सीधा नाप लेते हैं ना इसमें, इधर इधर देखो, इधर आ रहा है क्लियर पूरा। अगर हम सीधा नाप लेते खड़े में, तो ये हमारा नाप बैठ रहा है कितना, 18 इंच।
तो ऐसे नाप नहीं लेना, क्योंकि 18 इंच नाप है ना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उठाओ मोड़ दो पूरा। तो ये नाप हमारा कितना बैठ हो गया, 20 इंच, ठीक है, 19.5 हो गया, 1.5 इंच का फर्क आ गया। तो ये नाप ऐसे लिया जाता है, क्योंकि अगर हम आप नाप ऐसे नहीं लेंगे तो ये कहीं ना कहीं पजामी कॉटन की होगी तो यहाँ से घुटने से टाइट हो जाएगी या फट भी सकती है, ठीक है। इसी हिसाब से हम थाई का नाप लेंगे, तो थाई के नाप के लिए इस हिसाब से लेंगे इंचीटे, और इस हिसाब से हम नाप लेंगे। तो ये आ गई हमारी थाई इनकी 28 इंच, तो हम इसका नाप लिख लेते हैं। ये पजामी का नाप भी हमारा कंप्लीट हो गया, 10 इंच की मोरी हो गई, घुटना हो गया इसका 19.5 इंच, ठीक है, थाई होगी इसकी 28 इंच की। ये हमारा नाप हो गया, सलवार का नाप इसमें ही हो गया था, ठीक है, लेंथ के हिसाब से हमने पजामे का नाप भी ले लिया। अब हमें पैंट का नाप लेना है जो आजकल चल रहे हैं, तो पैंट के नाप के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है लंबाई की, फिर आती है मोरी की, फिर आती है थाई की, एंड में आती है कमर की। इसमें चार नाप होते हैं, तो आइए आपको मैं बताता हूँ। लंबाई का नाप आप सलवार के हिसाब से भी रख सकते हैं, तो इसमें भी हम 34 लेते हैं, ठीक है। अब हमारे तीन नाप रहते हैं इसमें, मोरी, थाई और कमर। तो हम दिखाते हैं इसमें नाप कैसे लिया जाता है। तो मोरी के लिए हम सबसे पहले पूछेंगे इनसे कितनी चाहिए, तो वो कहेंगे नैरो में चाहिए। अगर नैरो में हम कहते हैं ठीक है कितनी, वो कहते हैं नहीं 12 नहीं 11 करो। अगर हम 11 कर लेते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा आप घुटना ऐसे उठाएं। अगर हम इस हिसाब से नापते हैं तो देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं 12 इंच पे आ रहा है। अगर हम 11 बनाएंगे तो यहाँ से चढ़ेगा ही नहीं, तो हमें इस हिसाब से देखना है। अगर ये 12 आ रहा है ना, तो आप ज़्यादातर 12.5 ही रखें तो कंफर्टेबल रहेगा आपको नैरो में पूरा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 12 इंच, 13 इंच, 13 इंच रख लें इसका, या 12.5 रख लें, ठीक है। हम इनका 13 लेके चलते हैं, 13 इंच थाई का लेंगे। तो हम थाई का करने के बाद इस हिसाब से इंची टेप लाएंगे, और पजामे की तरह टाइट नहीं लेना, हम इतनी लूजिंग रखेंगे, कम से कम इतनी गैपिंग। तो इनका नाप जो बैठ रहा है यहाँ पर, ये नाप बैठ रहा है इनका 33 इंच का, इतनी गैपिंग रखनी है हमें थाई के नाप से। तो ये 33 आ रहा है, नीचे 13 ऊपर 33 इंच थाई का, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा थाई का नाप हो गया। अब हम कमर का नाप लेते हैं। कमर के नाप के लिए हमें इस हिसाब से लेना है, और ये आती है कमर हमारी, ठीक है। कमर के लिए हम देखेंगे तो कमर इनकी बैठ रही 39 कमर होगी। तो हमारे ये तीन नाप हो चुके हैं। आइए अब हम इसको भी लिख के दिखाते हैं। मोरी हमारी होगी 13 इंच की, थाई होगी हमारी 33 इंच की, और 39 इंच की होगी हमारी कमर। अब हमारा लास्ट नाप होता है जो घाघरे का, इसमें हमारे दो नाप आते हैं ओनली, ठीक है। तीसरा नाप ऐड कर सकते हो, जो ज़्यादा हैवी है तो हिप का नाप ऐड कर सकते हो, कमीज़ के अकॉर्डिंग जो कमीज़ का नाप होगा हिप का, वही आप ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें दो नाप होते हैं, एक होता है लेंथ, ठीक है, दूसरा आता है इसमें कमर। तो नाप कैसे लेना मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि घाघरे में इनको हील पहननी है, तो हील की लंबाई कम से कम 3 इंच बढ़ती है, ठीक है। तो अगर मैं इनसे इंची टेप रखाऊं तो इनकी लंबाई वही रहेगी, जैसे पकड़े आप, इनकी लंबाई रहेगी 34, जो उन्होंने पजामी में बनवाई थी सबके, ठीक है। अब हम इसमें 34 अगर घाघरा बना रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, अगर नंगे पैर हैं और 34 नापी हमने, तो इसमें हम 3 इंच लेंथ बढ़ा देंगे, 37 कर देंगे। अगर हील पहन के नाप दे रही हैं तो हम प्रॉपर उतनी रखेंगे जितनी आ रही है, क्योंकि हील के ऊपर नाप अलग हो जाता है, 3 इंच तक की लेंथ बढ़ती है। ये हमारा पहला नाप हो गया, ठीक है, इसको हम 37 कर लेते हैं घाघरे को। और कमर जो है, कमर को नापेंगे तो कमर इनकी 39 बैठी थी, इसमें भी आप इनकी 39 ही बैठेगी। ये देखिए इसमें कमर 39 बैठ रही है, बस ये आके दो नाप हो गए घाघरे के। तो इसमें देखिए लंबाई 37 39 कमर। अब जो आपको मैं समझाता चलूँ यहाँ पे, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर लंबाई में तो हमने आपको बता दिया, अब अगर इसकी घाघरे की कमर 39 इंच है, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, ठीक है, और प्लाजो की भी 39 है, तो 39 में से हम 5 इंच कम कर देंगे, माइनस करने का, तो इसका मा रह गया 34। 34 की इलास्टिक डाल देंगे हम, यानी 17 इंच, डबल में 17 इंच की इलास्टिक डाल देंगे हम, तो पूरे इनकी कमर ओके बैठ जाएगी, ठीक है। अब इस हिसाब से पैंट में, तो पैंट में हमारे इसमें कहीं भी कोई लूजिंग नहीं रहेगी, ठीक है। ये घाघरे का मैंने आपको बता दिया, घाघरे का उसी हिसाब से इसका पैंट के कमर का भी आता है, ठीक है। पैंट के कमर का भी हो गया आपका, इसमें इसी हिसाब से आप कर लें जो मैंने आपको बताया था, 5 इंच कम करें, ठीक है, और 5 इंच कम करें, 34 इंच रह गया, 34 आप तैयार, इलास्टिक डाल दें, ठीक है।
इस हिसाब से हमारा पैंट का भी हो गया। पजामी के नाप के लिए हमें क्या करना है, पजामी का नाप जैसे हमने जैसे नाप लिया है तो इसकी जो बेल्ट आएगी वो हिप के अकॉर्डिंग आती है, जितनी हमारी हिप है। जैसे सपोज करिए इसमें हिप आ गई इनकी 43, ठीक है, एंड हाफ 43.5 इंच, तो हम यहाँ पे मानेंगे इनको 43 इंच, 44 भी लगा लो आप, इसको 10 से 10 प्लस करोगे इसमें तो इसका आ जाता है ये 53, ठीक है, 54 मान लो हम, इसमें अगर आधा ऐड कर लेते हैं तो 54 का आधा 27 इंच की आप बेल्ट डाल दोगे, यहाँ पर 27 इंच की बेल्ट डाल लोगे ये पजामी में, ठीक है, ये नाप चलता है। अब ये नाप हो गया, ब्लाउज में आ जाते हैं। तो ब्लाउज में आपको मैंने बताया था कि बाजू का नाप सब सेम होता है, गले का जैसे लेते हैं आपने ले लिया, तीरे का नाप बता दिया था। तो इसमें जो लंबाई का नाप आता है, तो लंबाई का नाप जब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में, मेरी वीडियो से बने रहेंगे, तो ये आ गया आपकी प्लेट का निशान 10.5 इंच में, कमर आ गई, ठीक है। इसमें हमारा जो ब्रेस्ट का नाप है, इसका ब्रेस्ट का नाप भी हमारा यही रहेगा क्योंकि मैं इन्हीं का नाप ले रहा हूँ, तो ब्रेस्ट का नाप हम यहाँ पे 42 इंच ही रखेंगे। मैंने आपको इसमें एक नाप नहीं बताया, ब्लाउज वाले में आपको नाप बता दूं, ये आपकी लंबाई होगी थी, ठीक है, ये आपकी प्लेट का निशान हो गया था। प्लेट के निशान के बाद ये वाले कमर को हम काटेंगे, अभी कमर को यहाँ लिखेंगे हम 36.5 इंच, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेस्ट का नाप आ गया आपका। तो ब्रेस्ट के नाप में आपको लेके दिखा देता हूँ एक बार, ब्लाउज में किस हिसाब से लेना है, इसमें दो नाप नहीं लेने, इसमें एक ही नाप लेना है। तो आइए, आपको ब्रेस्ट के नाप के लिए सीधा इंची टेप ऐसे रखना है और सिर्फ एक ही नाप लेना, नीचे कर लो, नीचे हाथ कर लो, कभी ऐसे कोई करे तो नीचे हाथ करवा लेना क्योंकि नाप में फर्क पड़ता है। आप इस हिसाब से सिर्फ एक ही नाप लेंगे, इसका नाप बैठ रहा है 42 इंच, ठीक है, थोड़ा टाइट लेंगे ब्लाउज का, तो ये हो गया 41.5, तो ये 41.5 नाप बैठेगा आपका। अब ब्लाउज में आपको समझाना ये था, 41.5 नाप हो गया तैयार। अब आप इसमें क्या करेंगे, जब तैयार बनाएंगे नाप, तो आप इसमें 3 इंच की लूजिंग रखेंगे, 41.5 में 3 इंच लूजिंग रखेंगे, तो 41.5 और 3, ये आपका नाप हो गया 44.5, 44.5 ब्रेस्ट तैयार आएगी इनकी, ठीक है। और जो 36.5 इंच है कमर, इसमें कोई लूजिंग नहीं होगी, 36.5 ही तैयार आएगी, ये हमारा ब्लाउज का नाप है। अब कमीज़ के नाप के लिए हम चलते हैं, तो कमीज़ के नाप के लिए हम आपको सबसे पहले बता दें, जो हमने 39 और 42 सेकेंड ब्रेस्ट आई है, फर्स्ट ब्रेस्ट 39, सेकेंड ब्रेस्ट 42 इंच, जो 42 इंच आई है हमारी 10.5 इंच पे, तो हम आपको ये इसलिए नापते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। अगर ये 39 है फर्स्ट ब्रेस्ट, और ये अगर ये भी 39 होती तो हम यहाँ पर आपकी 3 इंच की लूजिंग देते हैं, तो ये प्लेट का माना नहीं रहता, ये इसका कोई वो नहीं है, इसको हटा दो हम। लेकिन अगर नाप लेने में फ़र्क आ जाए, 1 इंच का भी आ जाए ना, अगर 39 है या 40 भी है, अब यहाँ तो 3 इंच का फ़र्क आ गया, तो हम यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग देंगे, तो नाप बनता है 43। आप 43 का आधा कर लें या 1/4 करके, तो 10.5 इंच पे आप ये नाप लगाएंगे, जो मैं एक वीडियो अपलोड करके आपको दिखा चुका हूँ पहले, कि मैंने जो ब्रेस्ट का नाप प्लेट का दिखाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में, ठीक है, ये नाप का आपको पता चल जाएगा, ये बॉडी का नाप है। इसी हिसाब से हम कमर के नाप में आते हैं, तो कमर के नाप में हम देंगे 2 इंच की लूजिंग, 38 और 2 40, तो इसकी 1/4 10 इंच हो गई, आधा नाप 20 इंच। हिप में हम आएंगे, तो हिप में हम यहाँ पर रखेंगे आपका नाप 3 इंच की लूजिंग, ये बॉडी के नाप में हमें इतनी लूजिंग रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रहे। चेस्ट में मैंने आपको बता दिया है कि चेस्ट में अगर इस हिसाब से आएगी तो 1 इंच की लूजिंग होगी, अगर 39 39 दोनों नाप बैठ रहे हैं तो इसमें 3 इंच की लूजिंग आएगी, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना। ब्रेस्ट में जो हम कहते हैं ना कंधे गिर जाते हैं, तो सबसे मेन यही पार्ट होता है, और जो झोल आती है आर्म होल में, सबसे मेन पार्ट यही है, इस पर हम ध्यान देंगे तो कोई बिल्कुल फिनिशिंग की कमीज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी लूजिंग होती है। बाकी जिस हिसाब से हम बाजू का नाप लेते हैं, वो बाजू का आपका सेम नाप हो गया। तो दोस्तों ये हमारी, एक बार आप आराम से पूरी वीडियो देख लें जो जो हमने नाप लिया है, और आप इसको नोट कर लें। तो दोस्तों ये था हमारा मेजरमेंट, जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने जो पहले कमीज़ भी काटी है आपको उसको समझाने के लिए, और आने वाली जो वीडियो है उसके लिए ये मेजरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको इस पूरे मेजरमेंट नाप में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं बेझिझक। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।